भारत देश लोकतांत्रिक देश है, कहा जाता है कि भारत संविधान से चले। चारों तरफ हिंदू राष्ट्र के पक्ष में माहौल है। भारत की जनमानस जो 90% कि आपके ही हिंदू में कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। गर्व से कहो हम शूद्र हैं, और जब शूद्र की भावना जब आती है तो लोग कहते हैं हिंदू कहां। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म की उनको हिंदू धर्म पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वो हिंदू देश लोकतांत्रिक देश है, कहा जाता है कि भारत संविधान से चलेगा, लेकिन हमारे पीछे एक बैनर लगा है, पहले दिखा देते हैं। हिंदू राष्ट्र निर्माण में युवा की भूमिका विषय पर युवा संवाद। हमारे साथ मुख्य वक्ता बाबा जी हैं, इनसे पहले बात करेंगे। पहले शुभ नाम जानेंगे बाबा, आपका क्या नाम? मेरा नाम स्वामी आनंद स्वरूप है जी। मैं अध्यक्ष हूँ शंकराचार्य ट्रस्ट, शंकराचार्य परिषद और संस्थापक हूँ काली सेना का जी। बाबा, हिंदू राष्ट्र बनाने की कह रहे हैं आप, देखी जाए तो ये भारत संविधान से चलने वाला है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? देखो, संविधान भी भारत के लोगों पे थोपा गया जी। और इस आशय के साथ आया कि धर्म मूल वंश जाति के आधार पर कोई विभिन्नता नहीं होगी। लेकिन आज जिस प्रकार से अल्पसंख्यक के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, उनको दामाद की उपमा मैं देता हूँ, दामाद की तरह पाला पोसा जा रहा है, बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र में हिंदू ही उपेक्षित है। तो यह देख करके ऐसा लगा कि जैसा राष्ट्र प्राचीन था, हमको प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण करना है, नए भारत का निर्माण नहीं होने देना है। तो इसको लेकर के हमने हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना आज 20 वर्ष पहले गढ़ी, अब वह चरितार्थ होता दिख रहा है। चारों तरफ हिंदू राष्ट्र के पक्ष में माहौल है। अब भारत की जनमानस जो 90% जनसंख्या हिंदुओं की है, उसमें 80% लोग ये चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। बाबा, जैसे आप बात कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा ये बात कहना चाहता हूँ कि आपके ही हिंदू में कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, तो आप हिंदू कैसे बना लेंगे हिंदू राष्ट्र? देखो, जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हारे इसी नाते कि उनके सामने जयचंद थे। जयचंद जाकर के गोरी से मिल गए। तो यह एक इतिहास है, आज नहीं, ऐतिहासिक साक्ष्य है कि हमेशा से जयचंद इस देश में रहे हैं। तो आज भी जो सेकुलर जमात है वह पूरी जयचंदों की जमात है। जो दिखते तो सेकुलर हैं लेकिन खड़े उनके पक्ष में हैं, उन्हीं के पैसे से पलने वाले लोग हैं तमाम। आज भी आप देखते हो पैसे से खरीद लिए जाते हैं। तो वही जो लोग सेकुलर लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। तो उनके चाहने से, अब डायन के चिल्लाने से कोई मृत्यु तो नहीं होगी, तो उनके चिल्लाने से कोई हिंदू राष्ट्र रुकने वाला है ऐसा नहीं। आपको दिख रहा होगा चारों तरफ हिंदू राज चारों तरफ ये मांग चल रही है। पहले बातें नहीं होती थी लेकिन इधर 5 सालों में लगातार हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। अब तो मंचों से प्रधानमंत्री भी कहने लगे हैं इस बात को। थोड़ा सा पिछले मुद्दे पर चलते हैं सर, आपसे बवा बाइट लेना चाहेंगे। एक मुद्दा तेजी से वायरल हुआ था लमसम आज से 4 महीने पहले, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान था। उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, और जब शूद्र की भावना जब आती है तो लोग कहते हैं हिंदू कहाँ एक होने वाले हैं। सब लोग, तो कोई कहता मैं पंडित हूँ, कोई कहता मैं ठाकुर हूँ, कोई कहता मैं बनिया हूँ, कोई कहता मैं यादव हूँ, तो बनी हिंदुत्व तो कहाँ एक होने वाला है। सब लोग अब जातिवाद में बट गए, तो हिंदू लगता है कि क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनाना आवश्यक है। जब तक यह संवैधानिक सत्ता रहेगी और जब तक ये नेता लोग रहेंगे तब तक यह बांटने का काम चलता रहेगा जातियों में। जब ये नेता लोग नहीं थे तब हम समस्त हिंदू लोग थे। हम अंग्रेजों से लड़े, हम मुगलों से लड़े, हम गजनियों से लड़े, गोरियों से लड़े, लेकिन आज इन काले अंग्रेजों से हम नहीं लड़ पा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म की उनको हिंदू धर्म पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वह हिंदू होते तो मैं उनकी बातों को सुनता। जो शूद्र है, जो दलित है, वो हिंदू है। इसलिए अगर वो लिख देगा कि मैं बौद्ध हूं तो अल्पसंख्यक हो जाएगा संविधान के अनुसार भी। अरे, हिम्मत है स्वामी प्रसाद मौर्य में तो लिखें कि मैं बौद्ध हूं, लिख करके दिखाएं, फिर संवैधानिक चर्चा चलेगी और लीगल कार्रवाई उनके ऊपर होगी। यह जीत आज से नहीं, बुद्ध की जो हमारे बौद्ध दूसरे थे, मैं कहता हूं ये जो मंगोलियन बौद्ध है, अभी मंगोलियन बौद्ध का काम ही यही था कि हमारे शास्त्रों के ऊपर प्रहार करना, उसको नष्ट नाबूद करना। लेकिन हमारा ही पुष्यमित्र शुंग था, पूरे बौद्ध धर्म को 30 फीट नीचे गाड़ करके छोड़ दिया। लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में फिर से बौद्ध धीरे धीरे पनपने लगे और फिर वही काम कर रहे हैं। तो फिर से मेरे जैसे लोग आ गए हैं, उनको इस बार 100 फीट नीचे गाड़ेंगे बौद्धों को, और बौद्ध फिर ऊपर निकल करके नहीं आएंगे। बाबा, अब जाते जाते एक सवाल आपसे रह गया है, अब ये कब तक लगता है कि आप हिंदू राष्ट्र बना देंगे इस भारत?
साथ में, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी हिंदुओं के लिए हिंदुओं की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की तो 10 साल हो गई सरकार केंद्र में भी और प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी 6 या 7 साल चल रहा है। तो अब 2024 में देखी जाए तो अगर क्या भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे या फिर वैसे ही रहेंगे? देखो, मैं किसी पार्टी से अपेक्षा करता भी नहीं हूँ। जब मैं स्वयं जाऊंगा वहाँ तो फिर हम लोग बात करेंगे कि एक देश कैसे बनेगा। हमारा रोड मैप तैयार है, मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। पहला काल जागरण का था, वो समाप्त हो रहा है। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, लीगल एक्शन का होगा। अब लीगल एक्शन के बाद भी बात नहीं बनेगी तो अगला जो पड़ा होगा वो युद्ध का होगा। अब युद्ध लड़ेंगे और हमेशा से युद्ध लड़े हैं, युद्ध लड़ेंगे और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तिथि भी तय है, 2029 तक भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। बाबा तो सबसे बड़ा दावा कर दिए भैया कि 2029 तक हिंदू राष्ट्र ये भारत बन जाएगा। ये दावा तो बड़ा गजब का कर रहे हैं, इतना बड़ा दावा पहली बार आपके मुंह से सुन रहे हैं, ये कैसे दावा कर रहे हैं बुआ? देखो, हिंदू राष्ट्र का संविधान बनके तैयार है, मैंने उसको प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया है। कुछ उसमें त्रुटियां रह जाती हैं, उसको संशोधन का काम चल रहा है। जब ये सरकार 2024 में फिर से आ जाएगी और मैं भी अगर जाऊंगा संयोग से, अगर गया तो ठीक है, नहीं भी जाऊंगा तो भी हमारे 20 लोग वहां रहेंगे जो प्राइवेट बिल लेके आएंगे हिंदू राष्ट्र की। जब हिंदू राष्ट्र की प्राइवेट बिल आएगी तो चर्चा शुरू होगी, जैसे कश्मीर पे चर्चा हुई। फिर डिवीजन होगा, पता उसी में चल जाएगा कौन हिंदू राष्ट्र के पक्ष में कौन खिलाफ है। और 2/3 बहुमत से हिंदू राष्ट्र का संविधान भारत में अंगीकृत होगा। मैं आपको, आपके चैनल के समक्ष, आपके दर्शकों के समक्ष दावा कर रहा हूँ। दावा कर रहे हैं, देखिए बाबा जी कह रहे हैं कि 2029 तक भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर दीजिएगा। टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरों के लिए जानी जाती है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, 200 सब्सक्राइब पर जाएं, वहां लिखा है @TVSamachar और लिख कर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, देखते रहिए TV समाचार। नमस्कार।